नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी वेतन का समय है, वेतन मिलने का समय है, और वेतन मिलने से पहले दो फॉर्म भरा जाता है, एपीओ और मास्टर डाटा। लेकिन उसमें जो कॉलम दिए हुए हैं, संख्या वन, संख्या टू, संख्या थ्री, और संख्या में शिक्षक को क्या भरना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो उसी का अपडेट आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड या सातवें चरण से अपडेट कुछ भी आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। मास्टर डाटा फॉर्म भरने हेतु समान निर्देश दिया गया है। लेटर नंबर एवं डेट संबंधित विद्यालय द्वारा भरा जाने वाला पत्र संख्या एवं तिथि है। प्रत्येक शिक्षक हेतु एक पत्र संख्या होगा, यानी कि विद्यालय में जितने शिक्षक उतने पत्र बनना है। पहला देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर ए और बी करके है, दो पेज का है, यहाँ पे देख सकते हैं दो पेज का है। ए और बी सेक्शन दोनों का हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहला में है डिस्ट्रिक्ट नेम एंड कोड, यानी कि जिस ज़िले से हैं अपने ज़िले का नाम एवं ज़िले का कोड भरे। तो आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम, जैसे मान लीजिए मैं नालंदा से हूँ तो अपना नालंदा ज़िला का नाम लिखूँगा, लेकिन नालंदा ज़िले का कोड क्या है वो यहाँ पर डालना होगा, या फिर कोड वो आपको BRC से पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो HM से, यानी कि हेडमास्टर से भी आप पता कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का कोड। फिर दूसरे नंबर पे है ब्लॉक एंड कोड, यानी कि ब्लॉक का नाम लिखना है, फिर ब्लॉक के कोड जो है वो देना है। इसमें अपने प्रखंड का नाम अपने एवं प्रखंड का कोड भरा जाना है। अब यहाँ पर आ जाइए लोकल बॉडी टाइप, थ्री नंबर पर कह रहा है कि लोकल बॉडी टाइप यानी कि उर्बन और लोकल बॉडी टाइप रूरल, यानी कि एक शहरी होता है और एक ग्रामीण होता है। तो इसमें जिस स्थानीय निकाय के अधीन आपका विद्यालय आता है उस निकाय के कोटि नाम के आगे टिक लगाइए। अगर रूरल में आता है तो रूरल में टिक लगाइए, रूरल में आता है तो रूरल में टिक लगाइए, यानी कि ग्रामीण में आता है तो ग्रामीण में, शहरी में आता है तो शहरी में टिक लगाइए। देख लीजिए आपका किस में आ रहा है। अगर आपका प्रखंड में है तो समझिए कि वो शहरी कहलाएगा, अगर आपका नगर निकाय में है, नगर निगम में है तो वो शहरी कहलाएगा, पंचायत में है तो वो ग्रामीण इलाका कहलाएगा। इस तरह से आप अपने विद्यालय को चूज कर सकते हैं और वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। पाँचवें नंबर पे है लोकल बॉडी नेम एंड कोड, लोकल बॉडी का डालना है, यानी कि जिस स्थानीय निकाय के अधीन आपका विद्यालय आता है उसका नाम एवं कोड भरना है। जैसे अभी हमने थोड़ा देर बताया कि अगर आता है पंचायत स्तर से तो पंचायत आपको भरना है, प्रखंड स्तर से तो प्रखंड भरना है, या फिर आता है नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, ये सबसे अंतर्गत आता है तो वो आपका नाम यहाँ पे फिल करना है। छठा में है स्कूल टाइप, यानी कि स्कूल विद्यालय के प्रकार के अनुसार बॉक्स में करें, यानी कि स्कूल आपका किस तरह का है वो विद्यालय के प्रकार, बेसिक 1 to 5 है, 6 to 8 है, जैसे प्राइमरी होता है, माध्यमिक होता है, वो इस तरह का करके आपको डालना है। स्कूल नेम अपने विद्यालय का नाम लिखिए, जिसे आपका विद्यालय का नाम क्या है वो डालना है। प्राथमिक विद्यालय हिसुआ ऐसे होता है, प्राथमिक विद्यालय कुछ और गांव का नाम देके होता है, फिर मध्य विद्यालय ये, मध्य विद्यालय वो, उस तरह का नाम आपको देना है। फिर स्कूल कोड, स्कूल का भी कोड होता है दोस्तों, तो स्कूल कोड क्या है आठवें नंबर पर वो आपको यहाँ पर भर देना है, वो भी आपको BRC से नहीं तो HM से आपको मिल जाएगा। नेम ऑफ टीचर, नौवें नंबर पे है नेम ऑफ टीचर, यानी कि टीचर जो आपका नाम है वो यहाँ पे डालना है। जैसे नियोजित शिक्षक अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर में लिखें, यानी कि बिट्टू मेरा नाम है तो BI यानी कि B भी हम कैपिटल में लिखेंगे, I भी कैपिटल में लिखेंगे, TT भी कैपिटल में लिखेंगे, UV कैपिटल में लिखेंगे, फिर KUMAR ये शब्द भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे। जेंडर यानी कि मेल है, संबंधित बॉक्स को चिन्हकर, अगर जेंडर में बॉक्स बना हुआ है तो अगर मेल में है तो मेल में फिल करेंगे, अगर फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में ही टिक करेंगे।
ग्यारहवां में है डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से डे पहले पहले दिन, फिर महीना, फिर ईयर, जन्म तिथि दिए गए बॉक्स में भरना है। जिस तरह का कॉलम, जिस तरह का ये बनाया गया है, उसी तरह के आधार पे ही आपको फिल करना है। फादर एंड हस्बैंड नेम, पिता या पति का नाम। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने पिता का नाम भरिएगा, अगर आप महिला हैं शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम भरिएगा, अगर आप महिला हैं कुमारी हैं तो आप अपने पिता का नाम भरिएगा, जो शादीशुदा है वो ही अपने पति का नाम भर सकते हैं। फिर 13वें नंबर पे आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो हमेशा आपके पास रहेगा और हमेशा आप यूज करें, ऐसा नहीं कि ये नंबर दे कि आप मोबाइल को बंद कर लीजिए, वो मोबाइल नंबर नहीं देना है। इसमें अपना मोबाइल नंबर लिखें जिस पर SMS अलर्ट भेजा जाएगा, यानी कि विद्यालय की तरफ से या कुछ भी तरफ से आपको। पैन नंबर इफ अवेलेबल हो तो, नहीं हो तो इसे बनवा लीजिए। पैन नंबर यदि आपके पास अपना पैन नंबर है तो इसमें लिखें। फिर कैटेगरी ऑफ टीचर्स, आपकी कैटेगरी क्या है वो डालना है, यानी कि शिक्षक अपनी कोटि के अनुसार संबंधित बॉक्स में भरे। कोटि क्या है आपका, UR, BC, EBC क्या है वो आपको फिल करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, कब आपने डेट ज्वाइन किया है। इसमें नियुक्त शिक्षक अपनी नियुक्ति की तिथि लिखें, किस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिला है वो इसमें आपको फिल करना है। सत्रहवां में है डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल, आपको नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिला है। फिर 17वें में आपको भरना है कि आप विद्यालय में योगदान किस दिन किस डेट में दिए हैं, वो आपको डेट फिल करना है। वर्तमान में जिस विद्यालय में पदस्थापित है उस विद्यालय में योगदान की तिथि लिखें। सैलरी अमाउंट ऑफ सितंबर 2012, यानी कि 2012 में सैलरी आपका क्या था वो यहाँ पे दर्शाना है। सितंबर 2012 में प्राप्त हुए अनुमानित वेतन का राशि यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है 19 में UT पेंशन स्कीम है, यानी कि UTI पेंशन स्कीम के यदि सदस्य बन चुके हैं तो इस बॉक्स में भरे, टिक करें, अन्यथा नो बॉक्स में टिक करें। आप अगर इसका सदस्य बने हुए हैं तब लगाइए, नहीं तो अन्यथा नो ही लगाइएगा। इफ एस यूटी पेंशन, अगर आप उसमें एस लगाते हैं तो फिर आपको कॉलम एक और भरना है, यानी कि UTI पेंशन स्कीम के यदि सदस्य बन चुके हैं तो पेंशन स्कीम नंबर आपको लिखना होगा, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। इफ एस यूटी स्कीम स्टार्टिंग मंथ में क्या है, यानी कि UTI पेंशन स्कीम के यदि सदस्य बन चुके हैं तो पेंशन स्कीम शुरू होने का महीना एवं वर्ष जरूर लिखें। प्रकार इफ ऑलरेडी SC अकाउंट विथ अलॉटेड बैंक नेम एंड ऑफ बैंक विथ ब्रांच कोड, यदि आपके जिले के लिए आवंटित बैंक के किसी शाखा में आपका बैंक अकाउंट पहले से खोला हुआ है तो उस बैंक एवं शाखा का नाम तथा शाखा का कोड आपको लिखना होगा। इफ़ यू ऑलरेडी AC विथ अलॉटेड बैंक एग्जिटिंग अकाउंट नंबर, यदि आपके जिले के लिए आवंटित बैंक के किसी शाखा में यदि पहले से खाता है तो उसका अकाउंट नंबर भरना होगा। बी फॉर्म में है कि एड्रेस ऑफ द स्कूल, अपने विद्यालय का पूर्ण पता भरें। परमानेंट एड्रेस ऑफ स्कूल, इसमें शिक्षक अपना स्थायी पता भरें। सिग्नेचर ऑफ टीचर, इसमें शिक्षक बॉक्स के अंदर अपना हस्ताक्षर जरूर करें। नोट फॉर्म के निर्धारित स्थान पर शिक्षक अपना पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र चिपकाएं और इसे अपने प्रधानाचार्य या प्रभारी से अभी प्रमाणित करवाएं मुहर के साथ। इसी रंगीन चित्र की एक प्रति फॉर्म के साथ संलग्न करें। दिए गए स्थान पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी तथा संबंधित BO या संबंधित PO संबंधित DPO अपना हस्ताक्षर मुहर के साथ करें। ये तो पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट ऐसे ही आता रहेगा तो वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।